नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGT वाले के लिए हम यह सेट शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 33 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपके घर में छोटा भाई या बहन कोई होगा तो उसके लिए एक ऑफर आया है, जैसे कि हमारा एक चैनल बना है क्लास 9th और 10th के लिए। उस चैनल के नाम हुआ RP ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास 9th 10th। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट में 9th और 10th की तैयारी कराया जाएगा बिहार बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। तो इस पर मैथ साइंस सभी विषय की तैयारी कराया जाएगा एकदम निःशुल्क में और एकदम सरल से सरल भाषा में आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो बोल दीजिए उसको चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो देखने के लिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा इस चैनल पे आपको कंपटीशन पढ़ाया जाता है और कंपटीशन के फरमाइशी पढ़ाया जाता है। जिस बुक को आप, जिस बुक के बारे में बोलिए उसके, उस बुक का सोल्यूशन इस पर मिल जाएगा। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं आर्मी और SSGD वाले के लिए, ठीक है। यह खत्म होगा उसके बाद दूसरा कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल दिया है 12,500 मीटर स्क्वायर दिया है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है, होता कितना है, होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता इतना है, दिया इतना है, होता दिया बराबर, ठीक है। और लंबाई इसमें दे दिया 125, तो लंबाई की जगह लिख दीजिए 125 × b 12,500, काट दीजिए 125 से 125 एक बार में कट गया, इधर बी और इधर एक और दो को जीरो, यानी कि चौड़ाई चलाया 100, ठीक है 100 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए दो नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 10 20 x और 40 का समानुपाती है तो x का मान बताएं। 10 20 x और 40 ये समानुपाती है। समानुपाती के मतलब समझ रहे हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तो समानुपात का केस कहलाएगा। और समानुपात के केस में आउटर गुने आउटर और इनर गुने इनर, आउटर बोले तो बाहर, बाहर गुने बाहर और अंदर गुने अंदर। तो अंदर में कौन है, 20 और 1, यानी कि 20 × x बराबर बाहर गुने बाहर, तो 10 × 40 20 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 20 से कर जाएगा 20 × 40, इधर x इधर 10 × 20 बच गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। दोस्तों ये कैलेंडर चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन मैथ में दिया है तो बनाना पड़ेगा। 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था, मंगलवार था, तो आपसे पूछ दिया है 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है। सॉरी 10 जनवरी 2005 पूछा है, पूछना पूछा भी है 10 जनवरी 2005। तो दोस्तों 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये सब कैलेंडर में पढ़ा रखे हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ 10 जनवरी दिया है, 10 10 कॉमन हो गया, जनवरी जनवरी कॉमन हो गया, केवल साल मतलब वर्ष में फर्क है इसमें। तो क्या कीजिएगा, देख लीजिए 4 जो है लीप वर्ष है, 2004 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष से हमको जनरल वर्ष में जाना है, वो भी आगे जाना है, तो लीप वर्ष से जनरल वर्ष में जाना है। तो याद रखिएगा लीप से जनरल में जाना है तो 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है, और जनरल से जनरल में जाना रहता तो 1 ऐड करते, लेकिन यहाँ लीप से जनरल में जाना है तो लीप ईयर से हमको जनरल में जाना है तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तब मंगलवार, मंगलवार में 2 दिन आगे बढ़ाइए तो बुध बीफ है यानी गुरुवार, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे,
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करें। मीटर प्रति मिनट में तो चाल, ध्यान दीजिएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, आपसे पूछ दिया है मीटर प्रति मिनट में, तो मीटर प्रति सेकेंड में निकल रहा था तो 5/18 से गुना कर देते, लेकिन यह मीटर प्रति मिनट में, ध्यान दीजिए ये क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, ठीक है, और नीचे घंटा है तो एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 लिखिए, ठीक है। अब काट दीजिए यहाँ से, 12 × 5 = 60, 5 से कट जाएगा, 5 × 10 = 200, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकेंड में, सीधा से 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार दिया है, इसी प्रकार दिया है, 1000/3600 होना चाहिए, 1000/3600 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों 4 रुपया में 1 दर्जन मतलब कि 12 पीस, ठीक है, तो आपसे 18 पीस का दाम पूछ दिया है, 18 पीस का दाम पूछ दिया है, 18 केला है, हाँ तो केले लिखना दीजिए, कोई बात नहीं है, केलो, ठीक है, 4 रुपया में 12 केला तो कितना रुपया में 18 केला, तो 4 × 3 = 18 है, तो 18 × 3 = मतलब कि कितना के 3 × 18 हो जाएगा, तो कुछ नहीं, इसमें 3 से भाग दीजिए, यानी कि 6 होगा, यानी 6 रुपया में 18 केला होगा, ठीक है, नहीं तो तीसरा चीज़ गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिनों में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे, सब पढ़ चुके हैं, मैन इनटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए 12 मैन या 18 ओ मैन, 12 को आदमी कर रहा है तो भी 14 दिन लग रहा है काम करने में, काम खत्म होने में, 18 को औरत काम कर रही है तो भी 14 दिन लग रहा है, यानी कि दोनों काम बराबर है, मैन इनटू डेज कुल काम की मात्रा, मैन इनटू डेज कुल काम की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, मैन और वोमेन का क्षमता निकाल लीजिए, 14 14 कट गया, 6 × 12 = 18, इधर मैन 2 मैन = 3 वोमेन, मतलब जितना मिलके 2 आदमी एक दिन में काम करेगा उतना काम 3 औरत मिलके काम करेगा, तो मैन और वोमेन के रेशियो निकाल लीजिए, ढकढकिया नियम, मैन के निकला है तो मैन के ढकेंगे तो वोमेन में 3 दिखाई दिए को गुणनखंड गुना 3 दिखाई दिए गुनज, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, वोमेन को ढक दिए तो 2 यहाँ गुना दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ लिख दीजिए, मैन और वोमेन का रेशियो पता चल गया, क्षमता आ गया, ठीक है। अब इसमें से कोई काम लेके बना दीजिए तो कोई दोनों काम बराबर है, तो हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 12 मैन × 14, ठीक है, इस टोटल काम है, इतना काम को करवाना है हमको 8 आदमी और 16 औरत से, 8 मैन और 16 औरत से करवाना है, बस भाग दे दीजिए निकल जाएगा, कुल काम है, मैन से भाग देंगे तो दिन की संख्या निकलेगा और दिन से भाग देंगे तो मैन की संख्या निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए मैन के वैल्यू भरिए, मैन का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखिए, मैन की जगह 3 तो 3 लिखिए, वोमेन के 2 है तो 2 लिख दिए, 12 × 36 = 14 और बट्टा में 8 × 3 = 24 और 16 × 32, 32 और 24 कितना होता है, 32 और 24 6 × 5 = 56 हो जाएगा, तो × 56 14 × 4 = 56 4 × 9 = 36, यानी कि 9 दिन में कर देगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 5 छात्रों की लंबाई 30 40 50 60 70 है तो औसत लंबाई ज्ञात करें। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, तो 30 40 50
60 70 को जोड़ दीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दीजिए, औसत निकल गया। जोड़िए तो 7 6 13 13 5 18 18 4 22 3 22 3 कितना होगा, 25 बट्टा में 5, 5 से कटिएगा 50 25 50 आ गया, औसत 50 निकल के चले गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। इसे पढ़ रखे हैं, दुगना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 100%। कोई भी धन दुगना हो जा रहा है, इसका मतलब ब्याज जो है 100% आ रहा है, तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम से भाग देंगे तो रेट निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है रेट पूछा है, तो रेट यानी कि परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे रहे हैं, टाइम कितना है 8 वर्ष, तो 8 से भाग दीजिए, 4 2 8 4 से कटेगा 25 बार में, 25/2 यानी कि 12.5%, 12.5% आपका आंसर चलाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, हाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है, उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, खरीदा इसका मतलब है कि सीपी 1000, मतलब 1000 में खरीदा है और बेच दिया, तो बेच दिया इसका मतलब एसपी कितना बेच दिया है, 1500 रुपये में बेच दिया है, आपसे पूछ दिया है कि प्रतिशत लाभ बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लाभ निकाल लीजिए, 1000 में कोई चीज़ खरीद के आप 1500 में बेच दीजिएगा, सीधा सीधी लाभ हो जाएगा 500 रुपया। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो क्या होगा, 500 लाभ बटा में क्रयमूल कितना है 1000, और प्रतिशत में जाने के लिए 100% से गुना, 2 0 से 2 0 कर जाएगा 5 2 10 और 2 से कर जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% का लाभ हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि 3 घंटे 45 मिनट को सेकेंड में बदले, तो 3 घंटा 45 मिनट इतना मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा, तो देखिए 3 घंटा में कितना मिनट तो 180 मिनट और प्लस ही 45 मिनट, तो जोड़िएगा 18 4 22 5 8 4 12 2 1 1 2 यानी इतना मिनट हो गया, तो इसको सेकेंड में बदल लीजिए, तो 225 आप मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60 से गुना किया जाता है, 60 से इसलिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब गुना कीजिए, 10 पहले पड़ जाएगा, 6 5 30 6 2 12 3 15 और 6 2 12 1 13 यानी कि 13500 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि 140 का 30% बराबर 840 का 1%, तो x का मान बताएं। देखिए 140 का मतलब गुना 30%, तो 30 अब परसेंट के लिए बट्टा में 100 बराबर है 840 का 1%, तो x अब परसेंट के लिए बट्टा में 100, ये 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 14 6 84 कट गया, 6 से कट जाएगा 5 बार में, इधर x है, इधर कितना 5, x का वैल्यू है 5%। ठीक है, 5% x परसेंट माने थे, यानी कि 5% आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है, 6/20 ऑप्शन है 6%, ऑप्शन नंबर ए में, बी में है 20%, सी में है 26% और डी में है 30%। ठीक है, मतलब इसमें से किसका मान जो होगा 6/20 के बराबर होगा, ध्यान दीजिए इसको, देखिए 6/100 होगा, काटिएगा तो 3/50 हो जाएगा, यहाँ बोला है 6/20 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसको देखिए 20/100 हो जाएगा, काटिएगा तो 1/5 आएगा, यहाँ 6/20 बोला है, ये भी गलत हो गया, इसको देखिए 26/26/ क्या आ जाएगा 100, काटिएगा तो 13/50 आ जाएगा, ये भी गलत है, इसका मतलब तीनों गलत हो गया, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिए 30/100 यहाँ 6/ आपको मंगाना है, ऊपर 6 मंगाना है, तो यानी कि 5 से भाग दीजिए 6 बार में, 5 से भाग दीजिए 20 बार में, 6/20 आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लेने से। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30%। आते हैं अगली क्वेश्चन पे,
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल बताएं, कुछों के अनुसार नहीं, जैसे मन है वैसे बना दीजिए ना, यहाँ आपको गुणनखंड थोड़े वहाँ सीधे थोड़े करवा रहा है एग्जाम में आपको, अंतिम में 6 है इसका वर्गमूल कीजिएगा, तो इसका वर्गमूल करने के बाद जो अंतिम संख्या आएगा उसका अंतिम में 4 या तो 6 होगा, ठीक है। अब वर्गमूल है तो 2 को अंक छोड़ दीजिए, 2 को अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचा इसको देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो हमको पता है 6 के स्क्वायर 36 होता है और 7 के स्क्वायर 49 होता है, 6 के स्क्वायर 36 और 7 के स्क्वायर 49, इसी दोनों के बीच में ही 40 है, ठीक है। तो हमेशा इन दोनों में छोटका लिखिएगा, हमेशा दोनों में छोटका लिखिएगा। अब इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा इसको गुना करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो गुना कीजिए, 642 हो गया, तो गुना करने के बाद यहाँ वाला से यहाँ वाला यदि छोटका होगा तो इन दोनों में से छोटका यहाँ आएगा, अगर यहाँ से यहाँ यहाँ इस वाले संख्या से यहाँ बड़ा होगा तो इन दोनों में से बड़ा का आएगा, तो 42 से 40 छोटा ना है तो छोटा है तो छोटका आएगा, यानी कि 64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन और इस सेट का भी अंतिम क्वेश्चन, 2×3×5 और 3×5×7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। दोस्तों एलसीएम का नियम क्या कहता है कि सबको लिखना है लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है, तो सबको लिखिए लेकिन दोबारा नहीं, सबको कहने का मतलब है 2 इसमें है इसमें 2 नहीं है कोई बात नहीं लिखना ही है, 3 इसमें है 3 इसमें है नहीं रहता तो भी लिखते, 3 5 इसमें है 5 इसमें है तो लिखेंगे नहीं रहता तो भी लिखते, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है तो भी लिखेंगे, बस यही हो गया LCM, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2 3 5 7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अभ्यास पेपर सेट 33 में 15 मैथ था, 15 खत्म हो गया, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।